हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी दिवाली भी अच्छी रही होगी। तो आज मैं आपको मेरा आउटसाइड का चिकलेट का जो पॉन्ड है उसका अपडेट दूंगा। तो ये रहा मेरा चिकलेट का पॉन्ड। इसमें आप देख सकते हो कि मैंने ज़्यादा कुछ डाला नहीं हुआ है, कुछ पीवीसी पाइप का छोटा छोटा पीस या एल्बो क्या बोलते हैं उसको वो, और जो नेचुरल रॉक आता है जो बीच पे मिलता है वो मैंने डाला हुआ है, और मटकी और मटके का टुकड़ा ऐसा कुछ डाला हुआ है। तो बस यही है। और इसमें बटर को फैरी जो मेरा मस्टर टैंक में था दो पीस वो मैंने इधर डाल दिया है, और बाकी ब्लू डॉल्फिन है, ब्लू डॉल्फिन चिकले जो आती है वो 5 पीसेस है। अभी जो ऊपर आप देख रहे हैं वो बायो स्पॉन्ज फिल्टर है, उसके दोनों तरफ स्पॉन्ज रहता है तो एक्वेरियम का पानी अच्छे से क्लीन करता है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो वापस आते हैं हमारे चिकलेट पॉन्ड में। यहाँ मैंने सिल्वेनी चिकलेट डाला हुआ है, 4 पीसेस है उसका भी। एक पैरट फिश है और एक ब्लैक फिश है, और ये बड़ा वाला ऑस्कर है। ये इसका विड्थ जो है वो 5 फीट है और हाइट 3 फुट के करीब है, और लेंथ भी उसकी 5 फीट है, ना सॉरी उसका लेंथ है वो 5 फीट है, विड्थ 3 फीट है और हाइट इसका 3 फीट है। तो ऐसा कुछ मैंने सीमेंट का बड़ा वाला टैंक बनाया हुआ है और उस पे सेट भी डाला हुआ है, और चारों तरफ प्लास्टिक की नेट लगा दी है, और ये कुछ DIY फिल्टर बनाया हुआ है जिसमें स्पॉन्ज ये सब मीडिया ऐसा कुछ डाला हुआ है। एक्चुअली जो इंटरनल फिल्टर आता है उसको मैंने मॉडिफाई करके कुछ लगाया हुआ है, और ये देख सकते हो आप जो चारों तरफ प्लास्टिक की नेट लगाई हुई है और ऊपर सेट डाला हुआ है, सेट बनाया हुआ है ताकि डायरेक्शन सन की गर्मी से लग नहीं सके और एल्गी जमे नहीं उसको। तो कुछ ऐसा दिख रहा है मेरा बड़ा वाला जो सीमेंट का टैंक और पॉन्ड जो बोले आप उसको। ये जो इंटरनल फिल्टर आता है उसको मैंने मॉडिफाई किया हुआ है, नीचे से पीवीसी पाइप लगाया हुआ है और जहाँ से एयर फ्लो निकलता है वहाँ एक पाइप लगा के ऊपर डाल दिया है ताकि अच्छे से नीचे से भी वेस्ट वो क्लीन कर सके। एक्चुअली इसमें जो डॉल्फिन चिकलेट है उसकी साइज़ भी बड़ी हो गई है, मैंने उसका शॉट डाला हुआ था अगर आपने देखा होगा तो। अभी देखेंगे बाद में इसमें क्या कर सकते हैं, और ऐसा हो तो अगर कुछ नई फिश ऐसा डालूं मैं, देखेंगे क्या हो सकता है, उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा। ये कुछ तो मेरा ऐसा आउटसाइड का चिकलेट का बड़ा वाला पॉन्ड है। तो बस इतना ही वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।